जब हमने मैट्रिसेस के बारे में देखा और अलजेब्रा देखी मैट्रिसेस की, हमने कहा मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, ताकि हम थोड़े कंप्यूटेशन अच्छे से कर सकें और हमारे सामने इस तरीके से नंबर्स आएं या फंक्शंस आएं कि हमें उनको समझने में परेशानी ना हो। अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म का, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने मैट्रिक्स देखा है, a1 a2 b1 b2, हम इसके कोएफिशिएंट्स लेते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहां लेते हैं और c1 c2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a1x + b1y, ये मल्टीप्लीकेशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में a1x + b1y ये आएगा, इसी तरीके से a2x + b2y करेंगे तो ये आएगा। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम मैट्रिसेस देख चुके। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो आपने इक्वेशन देखी, क्या इनका सॉल्यूशन यूनिक है, नहीं है, क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम इससे निकालेंगे, यानी कि a1 a2 - b1 b2। ध्यान रखिएगा कि अगर a1 by a2 और b1 by b2 बराबर नहीं है, या ये जो हमने कंटेंट देखा अभी वो जीरो के बराबर नहीं है, तब कहीं जाके, यानी कि ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, कि 0 × x / y, 0 x और y, अगर ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? अगर ये ≠ 0 होगा तब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये यहां से भी दिख रहा है। तो जो नंबर है ये वाला, ये नंबर क्या है, ये जो चीज आई वो बताता है कि इस इक्वेशन की यूनिकनेस क्या है, इसके सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, कैसा आएगा, इसी को हम कहते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन से डिटरमिनेंट निकल के आया है, डिटरमाइन से डिटरमिनेंट निकल के आया है और ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशन आपके सामने रखी गई, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो डिटरमिनेंट आप देखेंगे कि इसका स्कोप बहुत बहुत वाइड है, इंजीनियरिंग साइंस इकोनॉमिक्स सोशल साइंस ये एटसेट्रा जो शब्द है ये आप बहुत लंबा मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे इस में, और एक काम करेंगे कि अभी फिलहाल इसको ऑर्डर 3 तक रखते हैं, और क्योंकि डिटरमिनेंट तो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, हम जानेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, हम माइनस जब शब्द का यूज करेंगे तो माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और कैसे हम इसका उपयोग डिटरमिनेंट का ट्रायंगल का एरिया निकालने में, एडजॉइंट निकालने में, इनवर्स निकालने में, और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम को यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया, एडजॉइंट, इनवर्स निकालेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस अभी आपने देखी, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन इनका निकालना हो, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की आपके पास इक्वेशन है, तो किस तरीके से हम इनवर्स का उपयोग करेंगे और आसानी से हम मैट्रिक्स का यूज करके और डिटरमिनेंट का समाधान लेके कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये इस चैप्टर में देखेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है? जैसे डिटरमिनेंट शब्द कहां से आया है, डिटरमाइन से। डिटरमिनेंट का मतलब होता है ये कुछ डिटरमाइन करता है, ये कुछ बताता है। तो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप इस तरीके से ले, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है n by n, यानी कि रो और कॉलम बराबर होगी। तो इसके साथ, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये हम उसके साथ लगा सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे कि वो डिटरमिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जहां पर ये जो है ये एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसको ऐसा फंक्शन समझिए जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर से एसोसिएट करता है, यानी कि जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स को उठाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि उसका एक वैल्यू निकालेंगे, वही डिटरमिनेंट होगा। और बार बार ये ध्यान रखिएगा कि केवल रियल वैल्यूज की बात नहीं हो रही, यहां कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक m को सेट माने कई स्क्वायर मैट्रिक्स का, और हम k को बोले कि ये सेट है रियल नंबर्स का, तो ये फंक्शन क्या होगा डिटरमिनेंट का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के सेट से लेकर इस रियल नंबर के या
सेट ऑफ नंबर्स के सेट तक, जिसमें जब हम ये ए डालेंगे इसमें इस फंक्शन में, तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। जहां पर ये ए क्या है, इस सेट, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है उसमें से एक मैट्रिक्स उठाया, उसको एक फंक्शन में डाला, एक वैल्यू आ गई आपकी। और ये के क्या है, वो एक इस सेट के को बिलोंग कर रहा है जो नंबर्स है। तो ये एफ ए क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, या हम कहेंगे डी ई टी ए, या हम इस तरीके से ट्राइंगल बना लेंगे। ये तीनों ही तरीके हैं जो हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से उपयोग करेंगे। अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अब, यहां पर डिटरमिनेंट की बात करते ही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान सीधा चला जाना चाहिए। तो जैसे ही हम ए कहेंगे तो जो डिटरमिनेंट है ए का, उसको कैसे लिखेंगे, हम ए के आगे यू मॉड लगाएंगे या इसे हम डिटरमिनेंट कहेंगे, और हम यहां पर इस स्क्वायर ब्रैकेट को लाइन से तब्दील कर देंगे। यहां लाइनें बन गई है, दो लाइनें, और हम इसका रिजल्ट जो निकालेंगे वो कहेंगे डिटरमिनेंट है। अभी मैं इसका रिजल्ट निकालता हूं, फिलहाल आप इसको समझिए, क्योंकि अगर एक बार समझ गए आप तब इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मॉड्यूलस नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस को भी या एब्सोल्यूट वैल्यू को भी ऐसे लिखा जाता है। किसी मैट्रिक्स ए के लिए जब हम ए के सामने यू लगा देते हैं तो वो उसका मॉड्यूलस नहीं है, या उसका सीधा का सीधा मतलब है कि हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट की जहां तक बात करेंगे, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होगी तब आप डिटरमिनेंट की बात शुरुआत करेंगे, अदरवाइज नहीं। डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का देखते हैं, एक ऑर्डर वन, अगर ऑर्डर वन है यानी कि वन बाय वन मैट्रिक्स, मतलब ये है एक रो एक कॉलम यानी एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट वही नंबर हो जाएगा। डिटरमिनेंट दो, ऑर्डर दो है यानी टू बाय टू मैट्रिक्स है, ये ए वन वन है, ये ए वन टू है, ये टू ए टू वन है, ये टू टू है। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए वन वन को ए टू टू से मल्टीप्लाई करिए, यहां रख दीजिए, ए टू वन को ए वन टू से मल्टीप्लाई करिए, यहां रख दीजिए, और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यही डिटरमिनेंट ए है, किसका, मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू है, यानी टू बाय टू मैट्रिक्स का, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर आपको इवेल्युएट करना है तो टू इंटू टू फोर, माइनस ऑफ फोर इंटू माइनस वन, दैट इज माइनस फोर, आठ आएगा इसका। एक्स इंटू एक्स माइनस दिस इंटू दिस कैसे आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे वन आएगा। अब तीन बाय तीन मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। डिटरमिनेंट जो तीन बाय तीन मैट्रिक्स का है वो कैसे निकालेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट थ्री बाय थ्री का हम जब लेंगे तो टू बाय टू का करते हुए निकालेंगे, यानी कि जो इसकी पहले वाली मैट्रिक्स थी टू बाय टू उसको लेंगे और उसके हिसाब से थ्री बाय थ्री निकालेंगे। तो हम या तो रो लेंगे या एक कॉलम लेंगे, उस रो और कॉलम के हिसाब से उसे खोलेंगे, इसे डिटरमिनेंट में कहते हैं एक्सपेंशन। हम एक्सपेंड करेंगे कोई एक रो को लेके, कोई एक कॉलम को लेके, और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें, क्योंकि कितने कितने रोज हैं, थ्री थ्री कॉलम, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन रो तीन कॉलम, यानी कि कुल मिला के छह रो और छह कॉलम है, कुल मिला इसको जोड़ दूं तो मैं थ्री प्लस थ्री, तो छह तरीके हैं इसको एक्सपेंड करने के। मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी ले, किसी को भी ले सकता हूं मैं, कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी ले सकते हैं आप। तो आप रो वन रो टू रो थ्री या कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तीनों में से इन छह में से कोई भी एक लेके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये ए वन वन मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से नंबर इसमें हमने लिखे हुए। डिटरमिनेंट ए निकालना है तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्सपेंशन करेंगे अगर रो वन के थ्रू, जो रो वन है उससे एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वन वन को लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन टू द पावर, ये क्या है वन वन, ये सबके लिए लागू रहेगा। आप ए टू थ्री भी लेते हैं, अगर ए टू थ्री लेते तो आप माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री डालते,
यहां पर ए वन वन है तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन डाल रहे हैं, यानी कि आप सम ऑफ सफिक्सेस, ये जो ए वन वन जो आपको बेसिकली सफिक्सेस क्या कहूं मैं इसको, आपको सब्सक्रिप्ट कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ए के जो सब्सक्रिप्ट है वन वन उन दोनों को ऐड करना है आपको और उसको ए वन वन से मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक हो गया। उसके बाद आपको ए वन वन के इंटरसेक्शन जहां हो रहा हो वो रो और वो कॉलम को छोड़ देना है, उसके अलावा बाकी को यहां रख देना। ये पहला हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं दोबारा ले जाता हूं आपको ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए, क्योंकि ये आ जाएगी तो बाकी सब समझ में आ जाएगी। देखें, हम ए वन वन लेना चाहते हैं, इस रो के हिसाब से खोलना चाहते हैं। सबसे पहले ए वन वन लेंगे तो हमने क्या किया, ए वन वन लिया माइनस वन टू द पावर क्या किया वन प्लस वन यानी टू हो गया। यहां पर डिटरमिनेंट लिखेंगे ये रो और ये कॉलम को छोड़ के बाकी जितने बच रहे ए टू टू ए थ्री टू ए टू थ्री और ए थ्री थ्री, ये वाला हो गया पहला हो गया। अब इस पे आइए, ए वन टू, ए वन टू को लिखिए, इसको माइनस वन टू द पावर कर दीजिए वन प्लस टू, राइट। उसके बाद इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्या बचे ये तो ए टू वन ए थ्री वन ए टू थ्री ए थ्री थ्री, यहां हो गया। अब ए वन थ्री लेंगे, एक रो के तीनों एलिमेंट लेंगे, अब इस एलिमेंट को लेंगे ए वन थ्री, माइनस वन लेंगे उसकी पावर वन प्लस थ्री करेंगे। अब इस रो और इस कॉलम के इंटरसेक्शन को देखेंगे, इनको छोड़ देंगे बाकी एलिमेंट ले लेंगे, क्या लेंगे ए टू वन ये वाला ए थ्री वन ए टू टू और ए थ्री टू, ये आपका बन गया, ये इसका डिटरमिनेंट। बीच में क्या किया आपने, जो भी माइनस वन की पावर में आया उसका उसका वो साइन लगा दिया, कैसे, जैसे हम दूसरे पे गए यानी कि ए वन टू पे गए, माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू किया और ए वन टू के रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, जो भी रो और कॉलम इनको इसके इंटरसेक्शन में आ रहे उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट ले लिए। ऐसे हम ए वन थ्री पे गए, ए वन थ्री लिखा माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री लिखा, उसके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी एलिमेंट यहां लिख दिए। अब आपको टू बाई टू का तो करना आता ही है, तीनों में टू बाई टू का करना तो आता ही है आपको, कैसे, ये ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री इंटू ए टू ए थ्री टू, ये होगा ए टू वन इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री इंटू ए थ्री वन, ये होगा ए टू वन माइनस ए टू वन इंटू ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू टू। तो इसका उत्तर क्या आएगा, फाइनली डिटरमिनेंट निकालना है तो अब तीनों, ये जो तीनों आपने अलग अलग निकाले उन, जैसे मान लीजिए ये इसको मैं ए वन या एक्स कहूं तो ए क्योंकि इसमें है, पहला जो स्टेप वन में किया था उसको एक्स वन मान लेता हूं, उसको ऐड करना एक्स टू से और उसको करना एक्स थ्री से, ये एक्स थ्री ये है, ये पूरा एक्स थ्री है। अब आप समझ गए एक्स टू एक्स वन, अब जो हमने निकाले मैं यहां बता देता हूं, ये एक्स वन है ये एक्स टू है, ये एक्स वन है एक्स टू है, इन तीनों को जोड़ देना है। आप देखें ये और ये जोड़ा हमने और यही डिटरमिनेंट है, आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अल्टीमेटली क्या आया, ए वन वन, अब ये कुछ नहीं है, ये जो दो जो आपने डिटरमिनेंट देखा दो बाय दो का उसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से ए वन टू, ये उस डिटरमिनेंट का सोल्यूशन है, दो बाय दो निकाला, ये एलिमेंट आ गया क्योंकि ये साइन जो है यहां पर माइनस आया, बाकी यहां प्लस प्लस हो गया क्योंकि यहां माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन था और यहां माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री था, तो ये तो प्लस आ जाएंगे लेकिन यहां माइनस वन टू द पावर थ्री था और माइनस वन की पावर अगर इवन है तो ये माइनस वन वन हो जाएगा, अगर माइनस वन की पावर ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये फाइनल ओपन हो जाएगा, इस तरीके से केवल कुछ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके हमने लिख दिया बाकी सबको, इसको इससे और एक्सपेंड कर दिया, ये आपका डिटरमिनेंट है। तो ये सारे के सारे स्टेप आप एक साथ लगाएंगे, जो मैंने हिज्जे करके बताए, जो मैंने अलग अलग करके बताए, ये सारे एक साथ लगेंगे इसमें,